गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और ये जो सीरीज़ है आप लोगों की, ये हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशली और सीईटी 2024 के लिए है, जिसके अंदर हम लोग हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। भाई ये आपके सामने 1000 से 1200 क्वेश्चन होंगे, जो कि बार बार, कम से कम भी 5-7 साल के अंदर अंदर बार बार एचएसएससी यही रिपीट कर रहा है। ठीक है भाई, तो आपको भी एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा नहीं है, 1000 या 1200 ही क्वेश्चन है, तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हम लोग आ चुके हैं 650वें क्वेश्चन के लिए। ये आप लोगों का कल की क्लास में होमवर्क था कि हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नारनौल। क्या हो जाएगा भाई? नारनौल इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, आईसीसी द्वारा घोषित अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शेफाली वर्मा को मिली थी। अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हरियाणवी ने विश्व के आयरनमैन का खिताब जीता है, तो आयरनमैन कौन है? राहुल टूरन है भाई। कौन है? राहुल टूरन, जिनको आयरनमैन का खिताब मिला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे, तो प्राचीन कवि कौन थे भाई आप लोगों के? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका वीरभान। कौन हो जाएगा? वीरभान क्या थे? हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? रोहतक और दादरी आएगा भी इसकी जगह। क्या आएगा? दादरी। ठीक है, रोहतक और दादरी की जो सीमा है वो अन्य राज्यों से नहीं लगती है, इसका राइट आंसर होगा रोहतक और दादरी, न कि झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र में भाई, तो किसके विरुद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुरेठा कहलाती है। पुरुष जो टोपियां पहनते हैं उसको मुरेठा बोलते हैं, और अपने हरियाणवी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको खंडवा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है, किसके लिए लागू की गई थी? ये परिवार पहचान पत्र, जो पीपीपी आंकड़ा है या फैमिली आईडी के द्वारा परिवारों की पहचान के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो गुजरी महल का निर्माण करवाया था आप लोगों का फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। हरियाणा के मैदानी भाग में क्या पाया जाता है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट है, हरियाणा के सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नहर। नेक्स्ट है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था, तो ये है रावी नदी के तट पे, 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है, दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की छाल डाली सर्दियों में पशुओं के चारे के काम आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा खैर का या खादिर। क्या बोलते हैं इसको? खैर या खादिर। ठीक है, फरीदाबाद में है ये। नेक्स्ट है, गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाभ कर गायों को मारना और विनाश करना। क्या हो जाएगा? ये इसका उद्देश्य नहीं है। देसी मवेशियों का संरक्षण और विकास करना है, आहत आवारा और बीमार गायों को रखना देखभाल करना है। अब ये गायों को मारे थोड़ी ना गए, है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, हरियाणा डैश शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य है, तो महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है आप लोगों का। राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्यपाल नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री। सेम काम आपका देश के साथ होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो नामित प्रमुख के रूप में काम करेगा और वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होंगी? प्रधानमंत्री के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बीच स्थित है, हरियाणा किसके बीच स्थित है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा 27° 37' से 30° 35' उत्तरी अक्षांश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित किया गया था, हरियाणा नगर निगम विधेयक ये 2016 में पारित किया गया था भाई, 2016 में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो भूतेश्वर मंदिर आप लोगों का है जींद जिले में। हरियाणा में यह जिला सबसे कम वर्षा
होती है इस जिले के अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है आप लोगों का भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मालदेव हरियाणा के कौन से कवि थे? भाई ये थे हिंदी कवि, कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? आपका ब्लैंक फ्रैंकोलिन है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करेगा। कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? तो सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास को बढ़ावा हरियाणा ने 10 वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की थी, तो 2006 आ जाएगा भी। हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है, तो क्या है आपकी? मृदा अपरदन, ये मुख्य मृदा समस्या है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं, तो सांची स्तूप पर हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं भाई। अशोक पे भी पाए गए हैं, चनेटी स्तूप पे भी पाए गए हैं, थानेश्वर स्तूप पे भी पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट किस में पाया गया? कुणाल में। कहाँ? कुणाल में, फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के बाद, फर्स्ट नंबर पे गुजरात है। कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है? गण कहलाएगा भाई। जनपदों का संयोजन क्या कहलाएगा? गण। महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 अध्याय है, महाभारत में 18 अध्याय है। हरियाणा को कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मुख्य भौगोलिक भागों में हरियाणा को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौरी है तो इंदौर के निकट है। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर किसके दौरान शासन किया था? 606 से 647 AD के बीच शासन किया था। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल है भाई। और महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई थी, तो इनमें से एक है करनाल। नेक्स्ट है, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? खोड़िया नृत्य कहलाता है। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाएगा? डमरू कहलाएगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? तो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा भिड़ाना। ये भाई मैं कंफर्म करके बताऊंगी, मे भी इसका आंसर राखीगढ़ी होना चाहिए, ठीक है बाद में बताती हूँ। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है? चाहमान में। ग्राम पंचायत कितने सालों के लिए काम करती है? 5 सालों के लिए। और हुड्डा का अर्थ है, देखिए, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? तो प्रतिहार वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अम्बाला आम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती है क्या कहलाता है? रासलीला। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 900 ईस्वी पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। और अब आप लोगों के होमवर्क की बारी, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है ये आप लोग बताएंगे। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रखा गया? ब्रह्माव्रत, सरस्वती नगर, किसान नगर या आर्य नगर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना सारे बच्चे, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना क्लास को। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।